Meaning of decentralization. What is decentralization? Decentralization is an expansion of delegation of authority. बेटा लास्ट वीडियोस में हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के बारे में बात की थी. यहाँ क्या होता था, टॉप लेवल वाला मिडल लेवल या लोअर लेवल को कुछ अथॉरिटीज़ देता था. जो अथॉरिटीज़ थी ये एक सीनियर अपने सबॉर्डिनेट को देता था, जिसके आधार पर वो कुछ डिसीज़न ले सकता था, कुछ मुख्य कार्यों से संबंधित ही होती थी. लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में क्या है, अंडर डिसेंट्रलाइजेशन नंबर ऑफ डिसीजन टेकिंग पॉइंट्स इंक्रीजेस बिकॉज अथॉरिटी इज डेलीगेटेड टू मिडल लेवल एंड लोअर लेवल. ये सिर्फ सिग्निफिकेंट या मोमेंटियस, मतलब किसी स्पेसिफिक डिसीजन लेने से रिलेटेड होते थे. बोथ डिसेंट्रलाइजेशन एंड डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी ऑलमोस्ट सिमिलर. ये दोनों हमें सिमिलर ही लगती हैं, विच लीड्स टू कन्फ्यूज़न. तो इनमें हमने कन्फ्यूज़न को दूर कैसे कर सकते हैं, हम इन दोनों में अच्छे से डिफरेंस को हमें समझना चाहिए. तो कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन इज रेफर टू द सिचुएशन विच एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ सिस्टमेटिक डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी. मतलब यहाँ पे डेलीगेशन स्पेसिफिक नहीं किया जाता, सिस्टमेटिक थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में सिस्टमेटिकली हर तरफ वो बात अपने आप ही हर तरफ हर मतलब कि जैसे किसी परचेज मैनेजर को हमने कोई अथॉरिटी दी, तो एक वो डिपार्टमेंटल मैनेजर है, तो वो अथॉरिटी सभी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के पास अपने आप ही अवेलेबल हो जाएगी. ये कह रहे कुछ लोग इन्हें सिनोनिम भी समझते हैं, बट दिस इज़ मिसकंसेप्शन. ये दोनों सिनोनिम नहीं है, ये मिसकंसेप्शन है. द डिफरेंस कैन बी अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ, हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक चीफ मैनेजर किसी कंपनी का, उसने कोई असाइन की जॉब या रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोडक्शन मैनेजर को फॉर अपॉइंटिंग एम्प्लॉयज नीडिड फॉर हिज डिवीज़न ऑन सैलरी लेस देन 10,000, कि जिनकी 10,000 रुपये से कम सैलरी है आप उन लोगों को अपने यहाँ अपॉइंट कर सकते. देन इट विल बी टर्न्ड एज डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी, क्योंकि सिर्फ परचेज मैनेजर या प्रोडक्शन मैनेजर को ही ये अधिकार दिया गया कि आप 10,000 से कम सैलरी वाले लोगों को अपॉइंट करो. ये स्पेसिफिक राइट दिया गया. बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ दिस अथॉरिटी फॉर अपॉइंटिंग डिपार्टमेंटल हेड्स फर्दर डेलीगेट टू दिस अथॉरिटी टू देयर डिप्टी मैनेजर्स, it will be lead to expansion of decentralization. In this context it can be said that we delegate authority, we multiply by it two. जब हम delegation of authority करते हैं, हम अपने अधिकार को दो में बांटते हैं, दो लोगों में बांटते हैं. But if we decentralize it, we multiply by many. जब सिर्फ production manager को यह अधिकार दिया गया तो ये delegation of authority थी, लेकिन जब सभी एवरी डिपार्टमेंटल मैनेजर हेड को जब ये डिसीजन लेने के अधिकार दिया गया तो ये डिसेंट्रलाइजेशन हो गया. मतलब डेलीगेशन सिर्फ एक व्यक्ति को दिया गया अधिकार है, जबकि डिसेंट्रलाइजेशन उस पोस्ट के हर व्यक्ति को ऑटोमेटिकली मिलने वाला अधिकार है. हेनरी फ्यूल कहते हैं कि एवरीथिंग दैट गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबॉर्डिनेट्स रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन, एंड एवरीथिंग इज विच गोज टू रिड्यूस इट सेंट्रलाइजेशन. इसे हम केंद्रीयकरण और विकेंद्रीयकरण भी कहते हैं. जो भी बात सबॉर्डिनेट के अधिकारों को बढ़ाती है वो डिसेंट्रलाइजेशन है, और जो कम करता है दैट इज़ सेंट्रलाइज